बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साची, आप सभी सुंदर साची के धाम इर्ते में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। तरफ पीछल धाम के अनबन मेवे अतंत, फल फूल पात कंद मूल, एक कहा लो किनत, एक कहा लो किनत। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा नूरबाग और नूरबाग के छत पर फूलबाग की सुंदर शोभा देखी, फिर नूरबाग के आगे पश्चिम की ओर अनवन की शोभा, जिनमें अनेक प्रकार के मेवे फल फूल पत्तियां कंदमूल शोभायमान है, जिनकी कोई गिनती नहीं। फूलबाग में अनेक प्रकार के रंगों एवं सुगंधी से भरपूर फूलों के बगीचे हैं, और फूलबाग के पश्चिम की ओर जो अनवन, जिनमें से बड़े वन की 5 हारे भी निकली है, वहां पर अनेक प्रकार के मेवों के वृक्ष है। सुंदर सा जी, हमने फूलबाग और नूरबाग की शोभा को देखा, अब थोड़ा सा हम अनवन, दूबदलीचा और पश्चिम की चौगान को भी देखते हैं। समान रूप से शोभायमान अनवन और दूबदलीचा, तो उन शोभा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए अपना धाम की दीवार और इनके साथ लगते अपने ये नूरबाग की शोभा। और नूरबाग की जो 11वीं आड़ी नहर आई है, नूरबाग की जो 11वीं आड़ी नहर आई है, ये नहर अनवन की पहली नहर हुई। यहाँ पर भी फूलबाग और नूरबाग की भांति ही 11 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं। वही 3.25 मंदिर की चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी आड़ी खड़ी नहरें, वही अपने पास यहाँ पर 150 मंदिर के लंबे चौड़े चौक, बिल्कुल समान शोभा जैसे फूलबाग की हमने नूरबाग की देखी, ठीक वैसे ही यहाँ भी शोभा। 11 आड़ी खड़ी नहरों के मध्य यहाँ पर भी 10 की 10 हार बगीचे बनते हुए अनवन में भी। लेकिन इसकी जो ये पहली नहर है, अनवन की जो पहली नहर है, यही नूरबाग की आखिरी नहर हुई। जैसे हमने जब यहाँ के नर्तक होने की चयबच्ची की बात की थी कि नूरबाग और अनवन की संध में, उसके बाहर बड़वन की जगह में ये नर्तक होने का चयबच्चा है, तो नूरबाग और अनवन की संध हुई ये बीच की नहर। ये नहर अनवन की तरफ भी जवाब देती है और ये नहर नूरबाग की तरफ भी जवाब दे रही है, और यही नहर अनवन की भी पहली नहर हुई। तो बिल्कुल समान रूप से शोभा 11 आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 10 की 10 हार चौक। फिर एक एक चौक में देखेंगे हम, जैसे कि हमने फूलबाग या नूरबाग में देखा था, एक एक चौक में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 4 की 4 हार छोटे बगीचे हो गए, 36 मंदिर के लंबे चौड़े। नहरों की शोभा देखिए बिल्कुल समान रूप से, ठीक मध्य यहाँ पर बोम्बर गहरी नहरें होंगी, ठीक मध्य 75 हाथ में नहर, दाएं बाएं एक एक मंदिर में रोसे, मध्य में फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोस, और ये 16 बगीचे। अब वहां पर फूलों के अनंत वृक्ष आए थे, यहाँ पर सभी प्रकार के मेवों कंदमूल शाक तरकारी के खेत लहरा रहे हैं। यहाँ पर कंदमूल शाक तरकारी के खेत, यहाँ पर उन सुंदर शोभा यहाँ पर। और यहाँ पे जो एक शोभा विशेष बताई गई, ठीक मध्य से और चारों दिशाओं से सीधा फुहारा उछलते हुए और चारों कोनों से चक्रावदार फवारे। लेकिन यहाँ ये जो मध्य चयबच्चा आ जाता है, बिल्कुल मध्य का चयबच्चा, इस चयबच्चे की चारों कोनों पर 4 थंब उठे, उन पर छत गुम्बद कलश ध्वजा पताका की शोभा हुई। तो ऐसे अपने पास 100 बगीचे हैं, 100 बगीचों में ये देहोरी की शोभा हुई। संपूर्ण शोभा फूलबाग के समान, नूरबाग के समान कहें, वही 11 आड़ी खड़ी नहरें, फिर एक एक बगीचे में 16 बगीचे होते हुए, और यहाँ फूलों की जगह अन्न मेवे शाक तरकारी के वृक्ष आते हुए। लेकिन यहाँ पे जो विशेष शोभा ये है कि ठीक मध्य, ये जो मध्य चयबच्चा आया, 3 चौकों की 3 चयबच्चों की 3 हारों के मध्य जो चयबच्चा आया, उस चयबच्चे पर सुंदर देहोरी की शोभा। तो ये शोभा अपनी हुई अनवन की। तो इन शोभा को इस नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए
ये नीचे देखो अपने को नूरबाग के थंब नजर आ रहे हैं और उसके आगे ही अनवन की शोभा। अनवन के पश्चिम में शोभा आई है दूप दिलीचा की। तो अनवन की जो 11वीं नहर आई है, जैसे हमने देखा था नूरबाग की 11वीं नहर, वही अनवन की पहली नहर हुई। यहाँ पर हम देखेंगे अनवन की जो 11वीं नहर है वही दूप दलीचा की पहली नहर हुई। अब दूप दलीचा में भी इस नहर समेत हम देखते हैं 11 आड़ी 11 खड़ी नहरें। फिर एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे हो जाते हैं। 16 बगीचों की शोभा और ये जो नहर की रोसे आई हैं उनसे कमर भर नीचे दूब की शोभा। जो दूब है इन नहरों से कमर भर नीचे आई है तो बेशुमार अनंत रंगों की यहाँ पर दूब बिछी, मानो नूरी पश्मी गिलम बिछी बेशुमार रंगों की। तो जिन रंग की दूब है उसी रंग के पशु पक्षी यहाँ पर नृत्य करते हुए क्रीड़ा करते हुए। और यहाँ पर एक सुंदर शोभा कि ये जो 3 चौकों की 3 हार, अपने पास 3 छह बच्चों की जो 3 हारे आई, 9 छह बच्चा आया, उसके चारों कोनों पर 4 थंब उठे, उन पर घूमर कलश ध्वजा पताका की शोभा। तो एक बगीचे में 4 देहोरी तो अपनी 100 बगीचों में 400 देहरी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अनवन में देखा इन मध्य 6 बच्चे पर आती हुई और नूरबाग के इन 4 कोनों के 6 बच्चों पर देहुरी आई है। तो ये सुंदर शोभा नूरबाग और अनवन की हुई, बिल्कुल समान रूप से शोभायमान। अब दूबदलीचे उसकी पश्चिम की चौगान की शोभा भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ये देखिए ये फूलबाग नूरबाग कहें इसको, नूरबाग के पश्चिम में ये अनवन आ गया, अनवन के पश्चिम में ये दूबदलीचा आ गया। अब दूब दलीचा के पश्चिम में यहाँ पर पश्चिम की चौगान आती है। पश्चिम की चौगान ये जो अपना दूब दलीचा है इसकी वायव कोने से लेकर दक्षिण तरफ जवेरों की नहरों तक 9 लाख कोस लंबी और चौड़ाई में 4.5 लाख कोस चौड़ी। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए यहां से इस तरह से तो 4.5 लाख कोस चौड़ी और ऐसे 9 लाख कोस चौड़ी, 9 लाख कोस लंबी। यहाँ पर अनंत रंगों की रेती बिछी है, अनंता अनंत रंगों की रेती। सुंदर शोभा इस नक्शे से देखिए कैसे सुंदर रेती के चौक बने हैं। यहाँ पशु पक्षी तरह तरह की लीला करते हैं। रसानंद सागर वाली अपनी बैठ के याद हो तो वहां पे पश्चिम की चौगान में युगलदास नाथ जी ने कितनी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है, कैसे घुड़सवारी करना, हाथी की सवारी करना और कैसे जुथ बना के पिया के पीछे दौड़ना और पिया पकड़ में नहीं आ रहे तो किस तरह से चारों तरफ से घेर कर पिया को पकड़ने की कोशिश, और उन समय घेर कर चारों तरफ से पशु पक्षी उन लीला का आनंद लेते हुए। अब शोभा देखते हैं, हमने अनवन की शोभा देखी तो अनवन के पूर्व में तो नूरबाग हुआ, अनवन के पश्चिम में दूब दलीचा हुआ, उत्तर दिशा में यहाँ बड़ो वन आएगा और दक्षिण दिशा में एक मंदिर की रोज के बाद कुछ निकुंज। दूब दलीचा में देखेंगे पूर्व में अनवन हो गया, पश्चिम में पश्चिम की चौगान, उत्तर दिशा में यहाँ बड़ो वन के वृक्ष आएंगे और इधर इधर भी एक मंदिर की रोज के बाद बड़ो वन के वृक्ष और इधर भी एक मंदिर की रोज के बाद कुंज निकुंज। और हम पश्चिम की चौगान की बात करेंगे तो इसकी पूर्व दिशा में तो यहां तक तो लग गया अपना दूब दलीचा और इधर आ जाएगी शोभा पूरी कुंज निकुंज की। तो यहाँ योगलदास महाराजी बहुत प्यारा वर्णन कर रहे हैं कि वायव कोने से लेकर दक्षिण तरफ चले तो 1500 मंदिर की हद तक तो दूब दलीचे की शोभा आ रही है इसके आगे, और इधर 7,500 मंदिर में जगह आ रही है कुंज निकुंज। और कुंज निकुंज की यहाँ महाराष्ट्र जी कह रहे हैं आपको 7,500 वृक्षों की मेहराबे मिलेंगी, 3,750 यहाँ पर अपने पास 7,500 जगह रह गई ना, 9 लाख कोस की लंबाई है, 1500 मंदिर निकल गए, 7,500 की जगह बाकी है। तो यहाँ पर 3,750 मेहराबे मिलेंगी
तो ये शोभा खुलती हुई कुंज निकुंज में जो बड़ो वन की वृक्षाएं हैं वो दो दो मंदिर के अंतर पर। तो यहाँ पर बड़ो वन की मेहराबों में 3,750 मेहराबी दो भोम की नजर आती हुई। और दक्षिण और पश्चिम में अपने को चवेरों की मोहलाते नजर आती हुई और उत्तर दिशा में बड़ो वन की सुंदर शोभा। एक बार ये शोभा मैं पूरी रिवाइज कर देती हूँ, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो लेके, फिर उसके बाद रिवाइज का करेंगे। ये देखिए, नूरबाग के पश्चिम में हमने अनवन की शोभा देखी, अनवन के पश्चिम में दूधलीचा। दोनों शोभा बिल्कुल समान रूप से आई है, जैसे नूरबाग और अपना फूलबाग आया है वैसे ही आड़ी खड़ी नहरें, वैसे ही चबच्चों की शोभा। लेकिन अनवन में जो तीन की तीन हारे नव चबच्चे आए हैं उसके ठीक मध्य चबच्चे के ऊपर देहरी की शोभा, और जो दूध दलीचा है उसमें जो तीन की तीन हारे नव चबच्चे आए उसके चारों कोनों पर देहरी की शोभा। और उत्तर दक्षिण में देखेंगे, अनवन के भी दक्षिण में देखेंगे हम कुंजनी कुंज की शोभा, उत्तर में बड़ो वन। इसी तरह से दूध दलीचा के दक्षिण में भी कुंज निकुंज और उत्तर में बड़ो वन, और यहाँ पश्चिम की चौगान में दूध दलीचा और इधर कुंज निकुंज लगता हुआ, इधर बड़ो वन और दो दिशाओं में चवेरों की नहरें। तो ये शोभा अपनी हुई अनवन दूध दलीचा और पश्चिम की चौगान की। सुंदर साजी, इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो ले ले में, फिर उसके बाद रिवाइज होगा नूरबाग और पश्चिम फाइव कोने का छह बच्चा। हाँ जी कुसुम दे दे। दीदी, जो ये सांची नहर आई है, मतलब 11वीं जो अनवन की और उसकी पहली, तो ये 66 66 हाथ एक तरफ आएगा और बाकी दूसरी हाथ या आधी आधी आएगी। नहीं, जैसे ये जो 11वीं नहर है हाँ जी, यहाँ पर, तो इधर इसको हम नूरबाग में काउंट कर ले में, और इसकी जो 11वीं नहर है हाँ जी, दूधलीचा की, तो उसको नूरबाग में काउंट कर ले में ऐसे। मतलब पूरी पूरी नहर। हाँ पूरी पूरी नहर, तो इसकी अपन अखाड़ी नहरें 10 मान लेंगे, है ठीक, ना। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो ये 1700 का हिसाब बताया वो क्या बताया? समय नहीं आया, जैसे कुंज वो ना हाँ वो एक 1500 का नई वो। शोभा थी, वो एक नई शोभा है, कल ही खुली है ये। अच्छा, देखो ये अपना पश्चिम की चौगान है ना। पश्चिम की चौगान के 1500 मंदिर तक तो कुछ ये लगी रहा है अपना दूधलीचा, उसके बाद 7,500 मंदिर में अपना कुंज निकुंज लग रहा है। कुंज निकुंज हम करेंगे तब देखेंगे कि कुंज निकुंज के इन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, दो भूम अच्छा तीसरी चांदनी की। ये तो कुंज हो गया, निकुंज हो गया, कुंज हो गया, आड़ी खड़ी नहरे हो गई, ये जो बीच में चौक बनते हैं ना, ये जो चौक बन रहे हैं इन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, दो भूम तीसरी चांदनी। तो अभी तक उनका ये पता नहीं था कि कितनी दूरी पर आए हैं, बस इतना पता था कि बड़ोवन के वृक्ष आए हैं। कल युगलदास महाजी की वृत्ति से ही क्लियर हुआ कि अपने पास 7,500 मंदिर हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मेहराबी दिखाएंगी 3,750। तो इट मीन्स ये जो वृक्ष है ये दो दो मंदिर के अंतर पर आए हैं। तो यहाँ पर अपने को इसकी पश्चिम की चौगान के पूरब की तरफ यहाँ अपने को लगभग 3,700 मेहराबी फूलों की नजर आएंगी, उनके दो कठेड़े नजर आएंगे। ठीक, हाँ जी सुंदर साहब। हाँ सिंह साहब जी। सिंह साहब अनम्यूट हो जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो दूध दलीचा मैं जो बताइए दोहरी बीच में, हाँ हाँ तो उस जगह पे जल नहीं होने का चाहे बच्चे में, खाली फर्श के ऊपर चार थंब रखे, या जल भी हुआ। ये नहीं, जल तो चैबच्चा तो है ही ना, इसके चारों कोनों पे यहाँ पे पूरे जल के ऊपर देहरी आती है ना। अच्छा, पानी फिर उसका उसमें पड़ेगा, फुहारे किसमें? उसी चैबच्चे में हाँ, इसका जल ये वर्णन जैसे। खुल के नहीं दिया, ये वर्णन खुल के नहीं दिया, बाकी देहरी यही बताई है। लेकिन चार थंब भी तो हैं, फुहारे निकल जाएंगे, चार थंब भी तो अच्छा हैं भूम्बर के ऊंचे।
यहाँ पर ये देखो, एक सेकंड मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। नहीं, ऊपर कवर भी तो होगा ना जोरी का। हाँ लेकिन कवर तो होगा, लेकिन चारों दिशाओं से मेरा भी द्वार भी तो है। यहाँ हाँ जी, हाँ जी, पे जैसे लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो हाँ अच्छी स्पेस है। फिर उसके बाद चारों तरफ बड़ी बड़ी मेहराबे हैं, और इन मेहराबों के तले आपके पास, क्योंकि इस किनार पे बताया कि चारों कोनों पे, तो ये मेरे को लगता है इस जगह होना चाहिए। चारों कोनों पे वर्णन आया है इस जगह, जैसे इस कोने पे थंब आ गया, इस कोने पे थंब आ गया, इधर थंब आ गया, इधर थंब आ गया। तो एक मंदिर की तो अपने पास ये जगह है, 75 हाथ की ये जगह है। अब यहाँ पर 2.5 मंदिर की अगर मान लो बड़ी मेहराब बन रही है, खुल के वर्णन नहीं, अपन एक अंदाजा लगा रहे हैं। ये नहीं, ये तो बड़ी, एक मंदिर की जगह है, ये टोटल एक मंदिर की जगह है, ये एक 50 गज मंदिर और की, 25 25। हाँ, एक जी मंदिर की जगह है यहाँ पर। तो ये जो एक मंदिर की जगह है, तो एक मंदिर की काफी खुली जगह है और एक भौम ऊंची है, तो जल के फवारे नीचे से जा सकते हैं। अच्छा, मतलब और यहाँ घेर, दूसरे जो बैठक इस जी जगह घेर कर आई है। जी और जो दूसरा धूप दलीचा है, उसमें जो आपने दोरी बताई है, वो यहाँ पर धूप दलीचा ही तो लेकिन है उस ये। पर, हाँ लेकिन वो पहले तो बड़े वाली जो नहर है उसमें बताई थी, जहां तक मुझे कुछ ध्यान है, जो बड़ी नहर है उसके कोनों पे बताई थी बीच में, हाँ एक मिनट, बजाय मैं इसके। हाँ एक बड़ी सेकंड, नहर पे। ये हाँ दोनों जी, त्योहारों की शोभा अलग अलग जरा बता दो एक बार, अनबन की भी और दूध दलीचे। एक सेकंड मैं आपको पहले वो प्रूफ दिखा दूं, क्योंकि मुझे ध्यान था ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने प्रूफ रखा है ये। एक सेकंड निकाल लूं मैं। ये देखो आप, ये दूध दलीचे का वर्णन हो रहा है। यहां से आप पढ़ो, हर एक चौक के चारों तरफ फुलवाड़ी, रोंसे, चारों दिशाओं में चार नहरें, पुल तथा कोनों पर छह बच्चे आए हैं। ये वर्णन हो मैप गया। आ नहीं रहा दीदी, मैप दूसरा है कोई, फुलवनी मैप नहीं आ रहा हूं, के मंदिर का, फुलवनी के मंदिर का मैप मैं ये नहीं आया। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ, गलत जगह कर दिया मैंने। ये देखो आ गया आप, हाँ जी, है ना। अब यहां से पढ़ते हैं अपन, ये ना धूप दलीचा का समूह बयान, धूप दलीचे की शोभा आ रही है इसमें। ये देखो, सो सब जगह दक्षिण से उत्तर तरफ 1500 मंदिर की आई, इन आड़े खड़े चबूतरों के बीच में 100 चौक आए। हर एक चौक, अब बता रहे हैं, हर एक चौक के चारों तरफ फुलवाड़ी, रोंसे, चारों दिशाओं में चार नहरें, पुल तथा चारों कोनों पर छह बच्चे आए हैं। अब बड़े बगीचों की बात हो गई, अब हर एक बगीचे में 16 चौक, छोटी नहरें आई हैं, और 9 छह बच्चा और चारों कोनों के 6 बच्चा पर एक एक देहुरी आई है। तो शुरू से हमारी शोभा यही चलती आ रही है कि चारों कोनों के 6 बच्चा पर देहुरी आई है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो उसकी बात है वो यहाँ तक हो चुकी है। आप ये देखो, हर एक चौक के चारों तरफ फुलवाड़ी, रोंसे, चारों दिशाओं में चार नहरें, पुल तथा चारों कोनों में 6 बच्चे आए। बड़े चकित बात हो गई। अब हर एक बगीचा में, अब उस एक बगीचे में आ रहे हैं कि हर एक बगीचे में 16 चौक, 24 छोटी नहरें आई हैं, और 9 छह बच्चा तथा 9 छह बच्चे के साथ लिखा है, चारों कोनों के 6 बच्चे पर एक देहुरी आई है ना। ये महाराज जी की मूल वृत्ति है। नई वृत्ति में कैसे किसी ने लिख दिया कि वो 75 हाथ पे आई है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। मूल वृत्ति के हिसाब से चारों कोनों में दे हो रहे हैं, बाकी जैसे फिर शोभा आपके दिल में बैठे, है ना। ठीक, हाँ जी, है ना, आप जैसे कह रहे थे ना, ये देखो विजय दी, हाँ जी, ये हाँ अपना दूब दलीचा, इसके ये जी, चारों कोनों के 6 बच्चे। अपनी अच्छा, जैसे डीपी सिंह जी, जो अपने जो पहले के जो नक्शे हैं, जितने जितने भी हाँ नक्शे जी, बने आए हैं ज्वारदास माझी के हिसाब से, भी पहले भी जितने नक्शे बने आए हैं, उसमें इन्हीं चारों कोनों पर ही देवरियां बताई है। परमधाम ठीक सीढ़ी जो अपनी बनी है उसमें भी इसी में बताई है, और ठीक मूल वृत्ति भी यही बता रही है। तो यहाँ पे चारों कोनों पर ये जो एक मंदिर के लंबे चौड़े 50 में जल हो गया, और 50 में घेर कर रोस हो गई, इसके चारों कोनों पर चार थंब उठे, उन पर कलश ध्वजा पताका। तो इसके चारों कोनों में, और इसी को अनवन का मान लेते हैं, तो इसके बीच वाले इस जगह पर यहाँ पर अच्छा देवरी आएगी, है ना। जी, ठीक, हाँ जी ममता जी, प्रणाम जी दीदी।
हाँ जी प्रणाम जी। दीदी ये कौन से स्थान पे आया है? ये मैं तो पहली बार कर रही हूँ, समझ नहीं आया कुछ। क्या चीज? ये धूप धुलीचा मतलब कि फूल बाग के किस तरफ आ रहा है, स्थान का भी नहीं अभी मुझे हाँ मैं समझ आया। अभी बता देती हूँ, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। ये देखो, जी ये मराशी जी के नक्शे से लो, यहां से आ जाओ, इसके साथ साथ चलो। ये देखो बिल्कुल रंगमहल के पश्चिम तरफ यहाँ पे अपना नूरबाग हुआ, चबूतरे के साथ लगता हुआ। हाँ इस जी नूरबाग को पार करोगे, नूरबाग की जो आखिरी नहर है ना, उसी जी नहर के साथ ये अपना अनवन शुरू हो गया। तो ये नूरबाग और अनवन की ये जो नहर है, ये साझी नहर है। ये नहर नूरबाग की भी है और अनवन की भी है। हाँ जी ऐसे अपन 11 नहरों तक ये अपना अनवन हो गया। अब ये जो 11वीं नहर है, ये अनवन की भी हुई और यही नहर अपनी दूबदलीचे की भी हुई। तो ये अपना दूबदलीचा हो गया। और इसके पीछे चलते हैं तो ये पश्चिम की शोभा, बिल्कुल पश्चिम दिशा की ओर चलते जाओ, ये शोभा है हाँ जी ना? और ये फूलबाग नूरबाग आया दीदी, ये जैसे कि नीचे तो नूरबाग बताया था हाँ, आपने उसकी उस, छत पे फूलबाग, और उसकी सेम मतलब सेम स्पेस में बिल्कुल ये। सेम स्पेस में, सेम स्पेस में। जैसे ये 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना नूरबाग है, अभी रिवाइज भी कराएंगे मोनिका दी, तो ठीक उसी के सिर के ऊपर अपना फूलबाग है, बिल्कुल सेम शोभा है। वो जो फूलबाग का दो भौम में आया है ना ये। फूलबाग की दो भौमें उठती हैं और इसकी एक भौम, तो ऐसे फूलबाग तीन भौम का हो जाता ठीक है ना? तो ये देखो, इसके पश्चिम में जाओगे तो अनवन, तो पश्चिम में जाओगे तो दूबदलीचा, और ये पश्चिम की चुगान, ये रेती का मैदान है। अभी शोभा को यहां से देखो, यहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो फूलबाग नजर आ रहा है आपको, हाँ फिर जी अनवन, अनवन में पूरे खेत लहरा रहे हैं। और जो अनवन, ये फूलबाग को घेर के बड़ो वन के वृक्ष थे, ये अनवन में से होते हुए निकलते हैं, इसका वर्णन विस्तार से आगे करेंगे। और ये दूबदलीचा, और दूबदलीचा के पश्चिम में ये अपनी हो गई पश्चिम की चौगान। तो ये पश्चिम दिशा का वर्णन था, ठीक है? नहीं सागर भी पाया दीदी, यहीं पे आएगा नहीं सागर अपन भी। यहां तक, अभी यहीं तक कर रहे हैं, अब इसके बाद उत्तर दिशा में सागर तक जाने में टाइम है। अभी उत्तर दिशा में चलेंगे लाल चबूतरे की, और इसके बाद। हाँ जी, प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम जी, समझ आ गया मुझे, मेरा भी क्वेश्चन इनके क्वेश्चन में ही अच्छा शामिल है। हाँ हाँ, जी हाँ जी, वही पश्चिम की चौगान मतलब बड़ी है, जैसे ये ये देखो नूरबाग अनबन धूप धुलीचा उसकी, उसके बाद जो पश्चिम की चौगान है वो 1500 मंदिर तो उनके सामने है और बाकी आगे बढ़ी हुई है बाकी कुंडली आगे की। बढ़, ये देखो आगे ठीक है है, हाँ ना? जी एरिया भी हाँ बता दो दीदी इसका। हाँ मैं एक बार है ना बड़ा नक्शा निकाल लेती हूँ, ये जिससे मतलब क्लियर। दक्षिण की तरफ आगे बढ़ी हुई है। हाँ जी, दक्षिण की तरफ। हाँ एरिया इसका है 4.5 लाख तो चौड़ाई में, ठीक और ठीक 9 लाख इसका लंबाई में। हाँ, इसके बाद फिर वो जवेरों की नहरें वो आ जाती। ठीक हाँ है, ये जो सीढ़ी वाली दिखाई दे रही है ये जवेरों की नहरों का ही है ना हाँ ये रास्ता। जवेरों की नहरों का। जी 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 ठीक है, समझ आ गया। हाँ मैं ये पूरा नक्शा दिखाती हूँ, इससे अच्छे से समझ आएगा। मुझे गिनतियां भूल रही हैं, 11 नहरें कोई बात कितने नहीं, चौक। गिनतियों की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखो, लेकिन समझ आ रहा है कि ये दृश्य देखो कैसा है, बीच में द्योरिया है वो भी मंदिर, सब थोड़ा थोड़ा याद है लेकिन काउंटिंग नहीं याद हो रही, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। हाँ इसमें सिर्फ 11 आड़ी खड़ी है। हाँ ममता, ये देखो, ये अपना हाँ हो जी गया फूलबाग, इस फूलबाग के तले अपना है नूरबाग। यहाँ पे हाँ थोड़ा जी स्पेस दिखा दिया, स्पेस नहीं है, बिल्कुल साथ लगता है ये अनवन है। हाँ अनवन के जी साथ लगता है ये अपना दूबदलीचा, और दूबदलीचे के पश्चिम में ये पश्चिम की चौगा है ना? हाँ जी अब जब हम देखेंगे अनवन के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ बड़ो वन है, इधर देखेंगे तो ये कुंज निकुंज है। इसके भी दवाई उत्तर लिया आपने। बड़ो वन, और इधर अपना कुंज निकुंज, और ये अपनी पश्चिम की चौगान। इधर आ जाता है दूबदलीचा, कुंज निकुंज, इधर बड़ो वन, और इधर चवेरों की नहरें है ना? तो ये लेकिन शो, दीदी थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाओ वो समझ आ जाएगा कि कौन सा धूप दिली जाए कौन सा ये। ये देखो ये है अपना अनवन, मतलब बिल्कुल फूलबाग की तरह ही इसको समझो, जहां फूल के बगीचे थे वहां पे अन के बगीचे आ गए, ठीक हाँ जी हाँ जी है?
यहाँ पर वहां यहाँ पे दूब बिछ गई, जैसे यहाँ घास देखते हैं ना, तो ऐसे रंग बिरंगी यहाँ पर दूब बिछ गई, तो इसको दूब दलीचा कह दिया। और ये शोभा जो है, ये वाली शोभा, ये शोभा सिर्फ यहाँ पर रेती का मैदान है, तरह तरह की रेती बिछी है और इसपे घुड़सवारी के आनंद लेते हैं अपन पिया से, है ना। ये देखो रेती की शोभा, हाँ जी, यहाँ सिर्फ रेती है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ इसको। पश्चिम की चुगान के उत्तर में बड़ो बन है, हाँ बड़ो वन है, ये जो इधर दृश्य दिख रहा है। हाँ ठीक ये बड़ो वन है, ये देखो ठीक कैसे, ये सिर्फ रेती का मैदान है, इसके इधर उत्तर में बड़ो वन, इधर दूब दलीचा, इधर कुंज निकुंज और इधर जवेरों की नहरें, है ना। हाँ जी। यानी अनबन का मतलब क्या होता है? अन्य यानी मेवा शाक फल फ्रूट, खेत, खेत लहरा रहे हैं, मतलब एक आसान शब्दों में कहें तो खेत, हाँ जी, ये जैसे देखो। सब्जियां अनाज हाँ जितने भी हाँ हैं, ये वो देखो अनाज खेत हो गए जितने ना, भी हैं वो ये देखो अनबन खेत हो गए होता ना, है। खेत हो गए ना, देखो है हाँ जी, हाँ ना। जी, हाँ जी। ठीक है सुंदर दो से। हाँ तो दो भी आएगा ना दीदी, दूब में दूब, जैसे घास होती है ना, तो छोटी सुंदर छोटी घास, घास। हाँ सुंदर जी घास, सुंदर घास। ठीक है। हाँ जी मेरा क्वेश्चन, हाँ जी, आरी खरी नहरें कितनी हैं? जरा 11 आड़ी खड़ी नहरें आ रही है सभी में, ग्यारह आरी खड़ी नहर 11 आ रही है, आड़ी 11 खड़ी, और ये जो चबच्चे कितने आए? चल बच्चे बस 11 आड़ी खड़ी के हिसाब से गिन लो, 11 की 11 हारे और उसमें बीच में 900। और 24 किसमें बता रहे हो आप? 24 तो पहले बताया था, आज तो मैंने बताया ही नहीं। तीन आड़ी खड़ी जो नहरें आती हैं छोटी, वो 24 होती है, छोटी हाँ, वो आरी खड़ी छोटी वाली ना, वही तो मैं पूछ वाली, रही। हाँ छोटी ठीक वाली होती है। हाँ है ठीक ठीक है। है। हाँ जी शांति जी, सुनीता भगत जी का मैसेज आया कि रॉ मटेरियल अन्न बन में मतलब कच्चा सब्जियां फल। तो अच्छा प्रणाम प्रणाम पढ़ा। दीदी, हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी, दीदी। प्रणाम जी। दीदी, दूब दिल्ली चेके बड़ी नहरों के कोने पर नहुरी आई है दीदी। देखो आपके दिल को जो शोभा जचती है वो ले लो, मेरी जो शोभा बैठती है वो शोभा बैठती है जो तीन चार बच्चों की तीन हारे हैं, महाराज जी के मूल वृत्ति के हिसाब से उन पे है, जी जो मेरी शोभा ठीक बैठी हुई है महाराज जी की मूल वृत्ति के हिसाब से इन चारों कोनों पर देहुरी है, बाकी सुंदर साथ जी की जैसे दिल में शोभा बैठे वैसे ले ले। राम ठीक है। प्रणाम दीदी। जी दीदी प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आप ये कह रहे हैं कि चार कोनों में दिलाई है, लेकिन इसमें जो है ना, जब ये चार चौक है तो जोरियां तो दो दिखाई दे रही है इसमें, चार है देखो, एक देखो एक इधर। हाँ जी, ये चार देवरी हैं एक देखो। ये हो गई, एरो से दिखाओ एक। हाँ जी, चार नहीं, एक चौक में दीदी, एक चौक में कितनी? ये एक ही हो गई, एक एक ही एक ही हो चौक गई, तो है, दो एक ही चौक तो है, ये एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे ये उसमें। दीदी। हाँ जी, हाँ तो ये चार जैसे ये देवरी। एक चौक हो गया ना, हाँ एक चौक है इसकी, एक द्योरी ये, फिर ये बीच वाले में नहीं है तो फिर इधर वाले चौक में द्योरी है, तो दो द्योरी आएगी तो अच्छा, ये चार चार चौक को मिले, ठीक है, चार चौक को मिला के फिर चार द्योरी आई, ऐसे ना दीदी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक ये जैसे बड़ो वन के वृक्ष तीन तरफ से घेर के है ना, उत्तर पश्चिम और दक्षिण की तरफ से पांच पांच। वो फूल बाग हाँ को घेर के आए हैं और फिर अनवन में से हाँ होके जी, हाँ वापिस निकल जाते हैं। ठीक जी, अनवन से होकर वापस उसमें आए है हैं, हाँ, उसका पांच वर्णन अभी पांच नहीं कर बड़े रहे। वनों के। हाँ उसका वर्णन आगे होगा विस्तार से, अभी उसका वर्णन कर नहीं रहे, उसका पूरा वर्णन है अलग से, अभी अपन इतना समझ ले में कि वो ठीक है अनवन दीदी, में से होके निकल रहे हैं। प्रणाम ठीक है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जी। हाँ जी वीना दीदी, मैंने पहले सुना नहीं, थोड़ा सा अभी सुना। हाँ दीदी बोलो क्या कह रहे हो। हाँ चित्रा आप बोलो। वो नूरबाग की जो लास्ट वाली नहर है वो अनवन की पहली नहर हुई, अनवन अनवन की पहली अच्छा नहर हुई,
वो दोनों के लिए सांझी हो गई, मतलब हाँ, सांझी हो गई है ना। ठीक हाँ। तो उधर तो नहीं आएगी, आगे तो नहीं आएगी, नहीं आगे दलीचा में, धूप दलीचा में धूप दलीचा और अनमन की सांझी हो जाएगी। अच्छा ठीक हाँ। चित्रा हाँ जी प्रणाम आंटी। मुझे नूरबाग के थंबों की काउंटिंग समझनी है। नूरबाग के थंबों की मैंने बेटा आज एक ना वीडियो छोड़ी है, वो वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए तो मेरे को पर्सनल में कॉल कर लेना, है ना। हाँ जी जरूर, हाँ जी ठीक है। मैंने आज वीडियो छोड़ी है एक छोटी सी, ठीक हाँ जी मैं देख लूँ। हाँ जी हाँ जी सुंदर साहब जी, तो अब है ना मोनिका दी अपने को नूरबाग की शोभा कराएंगे। मोनिका जी हाँ, मैं एक बार आपको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट ही नहीं किया, आप हो जाओगे ना, आप तो वो हो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ नाम जी सुंदर साहब जी, कुछ गलत हो जाए तो आपके चरणों में पहले ही क्षमा चाहती हूँ। वैसे तो किरण दीदी, मीनू जी और सोनिया जी ने सब ने बहुत अच्छी तरह अपने मीठे मीठे वचनों से हमको इतनी अच्छी तरह करवा दिया है कि सबके हृदय में वो धस जाना चाहिए। हाँ जी सुंदर साहब जी, सबसे पहले रंग महल की पश्चिम दिशा में जो हमारा रंग महल का नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के बीच में जो हमारे 1500 मंदिर आए हैं, उसमें हमारा फूलबाग और नूरबाग आया है। नूरबाग की एक भूमि पर मतलब नूरबाग की छत पर फूलबाग है, जो फूलबाग हमारा दो वो तीसरी चांदनी आया है। हालांकि बिल्कुल शोभा फूलबाग जैसी है, जैसे फूलबाग में शोभा आई है वैसे ही नूरबाग में आई है, जबकि बस फर्क इतना है कि नीचे हमारे नूरबाग में नूरी थंबों की शोभा है और ऊपर हमारे फूलों के वृक्षों की शोभा है। हिसाब नहीं फूलन को, हिसाब नहीं चित्रामन, इस भाव नहीं खुशबोए को, हिसाब ना रंग रोशन। ये हमारा धाम चबूतरा जो पश्चिम की तरफ आया है, ये एक मंदिर का चौड़ा है और इसके सामने एकदम हमारे फूलबाग की शोभा है। जो हमारा धाम चबूतरा है उससे सब एकदम एक साथ लगती हमारी पहली नहर आई है, जो कि 2.5 मंदिर की है, जिसमें 75 में तो जल है और आसपास एक एक मंदिर की रौंस है, नगो रंगो जड़ित रौंस, जिसे हमने 3 हिस्सों में बांटा, 33-33 में रौंस, 33 में फुलवारी और 33 में फिर रौंस। इसी तरह ही नहर के दूसरे तरफ शोभा है, ऐसे हमारे 2.5 मंदिर के ये रौंस, नहर का चबूतरा और फिर हमारा डेढ़ ये 147 मंदिर का बगीचा, फिर ऐसे 2.5 मंदिर की नहर का चबूतरा, फिर हमारा 147 मंदिर की बगीचा। इस तरह से हमारे पास 11 आड़े 11 खड़े चबूतरों में के बीच में हमारे पास 100 बगीचे बनते हैं। 10 संदे आएंगी, 10 संदों के बीच में हमारे 100 चबूतरे 100 बगीचे आएंगे। इसी तरह अब एक बगीचे की शोभा देखेंगे तो हमारे एक बगीचे में 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें आने से हमारे पास 4 की 4 हारे 16 बगीचे बन जाते हैं, यानी कि एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। तो एक जो हमारा छोटा बगीचा है उसमें 13 की 13 हारे हमारी वृक्षों की आई हैं। यही सेम शोभा हमारी नूरबाग में आई है, ऐसी की ऐसी शोभा, ऐसे ही छोटी नहरें जो आई है हमारी, उसमें एक मंदिर की आई है 50 में जल और 25-25 में हमारी रौंसे आई है। बड़ी नहर की शोभा भी नीचे ऐसे ही, छोटी नहर की शोभा भी ऐसे ही, ऐसे ही नीचे 10 बगीचे बनेंगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारे फूलों के बगीचे हैं और नीचे हमारे नूरी थंब आए हैं नूरबाग। ये हमारा नूरबाग के हम एक बगीचे में अब हम अपने नूरी थंब गिनेंगे। जो हमारा एक नूरी बगीचा है वो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है।
150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे चार तरफ हम गिनेंगे तो 150 × 4 करेंगे तो हमारे पास 600 यहाँ पे नूरी थंब आएंगे, 150 × 4 नूरी थंब, और इस तरह हमारे पास 600 ये हो गए नूरी थंब। तो अगर हमारे पास ऐसे 100 बगीचे होंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे नूरी थंब, 60,000। इसी तरह हमारी 1500 मंदिर की लंबी चौड़े सारे बगीचे हैं, जो बाहर की दीवार हमारी आई है 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा, तो 1500 × 4 करेंगे तो 6,000। तो इस प्रकार हमारे पास 60,000 + 6,000 = 66,000 नूरी थंब हुए। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी तरह से जो 66,176 मंदिर थंब आए हैं नूरी थंब, उनकी गिनती इस तरह से देखेंगे कि जैसे एक जो हमारा बगीचा है ये 147 मंदिर का हम देखें, तो इसमें आसपास जो एक एक 147 में 148 थंब आएंगे, 147 में हमारे पास 148 थंब आएंगे, और पूरे 11 हम गिनेंगे, सॉरी 10 बगीचों के गिनेंगे तो हमारे पास 1480 नूरी थंब हो जाते हैं। और जो नहर के दो दो किनारे पर आए हैं तो इस तरह से 11 नहरें के आसपास दो नूरी थंब गिनेंगे तो वो 22 आ जाते हैं। तो हमारे पास 1480 + 22 = 1502 हो गए। तो जो हमारी आड़ी खड़ी के लिए लास्ट वाली नहर है इसके किनारे पे भी एक थंब है, और इधर दक्षिण जिधर बड़ो वन है उधर भी एक नूरी थंब आया है, दोनों तरफ दो नूरी थंब, तो इस तरह हमारे पास 1504 नूरी थंब हो गए। तो जो हमारी पहली आड़ी नहर है उसके एक तरफ 1504 और दूसरी तरफ 1504 ऐसे ही हमारे नूरी थंब है, तो 3008 हो गए। तो 3008 और 3008 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 33,088 आ जाते हैं, और 33,088 आड़ी खड़ी दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास 66,176 नूरी थंबों की शोभा यहाँ नूरबाग में आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा सुंदर साजी मैं भी क्लियर कर दूं, अभी ये क्वेश्चन चित्रा का भी था कि जैसे अभी इन्होंने बताया मोनिका जी ने भी, जैसे 147 मंदिर का बगीचा तो 148, 1480 ये बताया अपन ने, फिर अपने पास ये 11 नहर है तो 11 × 22, 1480 + 22 अपन गिनेंगे तो 1502। अब एक एक हम इस किनार से भी ले लेवे, क्योंकि हमने नहरों के यहां तक गिने, ये किनार छूट गई, तो दो ये ले लेंगे तो अपना एक लाइन में हो गए 1504। अब दोनों लाइनों में हो गए अपने पास 3008, तो एक नहर में अपने आ गए 3008, ऐसी अपने पास 11 नहरें हैं, तो 33,088 पूर्व से पश्चिम और 33,088 उत्तर से दक्षिण। हाँ जी अब आप ले लो। इस तरह और बीच में हमारे सुंदर वृक्ष हैं, इन नूरी थंब को जैसे कि कल दीदी ने बताया था कि हम केले के वृक्ष भी कहते हैं, केले के वृक्षों की शोभा आई है कॉर्नर्स में। हाँ जी तो अब दीदी सीढ़ियों वाला लगा दीजिए ना। हाँ मैं निकालती हूँ एक मिनट है ना। थोड़ी सी नूरबाग की जो शोभा है वो लालदास महाराज जी के वृक्ष से दो चौपाइयां हैं, जैसे 100 बाग ऊपर तैसे ही 100 बाग तले नूर, ए रोशनी नूर जमाल की सो क्यों कर कहूं जहूर, ऐसे ही चबूतरे बने ऐसे ही चे बच्चे ऐसे ही फुहारे उछरत ऐसे नूर नहरे भरे हैं, ऐसे ही चौक सब ठोर के ऐसे ही गलियां रस्ते नूर, कई रंग शोभा इन नूर बाग की जुबा आवत नाही जहूर। जैसे हमारे फूल बाग में शोभा है ऑलमोस्ट वैसे ही नूरबाग में शोभा आई है, बस फर्क इतना है कि वहां फूलबाग में पहली आड़ी नहर में 3000 हमारे चे बच्चे थे और यहाँ पे हमारी चबूतरे से लगती आड़ी नहर में
जो सीढ़ियों की शोभा आई है वो आई है। इसमें हम जो पहले हमारे बगीचे हैं, जैसे कि हमने अभी बताया समझा कि एक बड़े बगीचे में चार हमारे छोटे बगीचे चार की चार आ रहे हैं 16, उनके दो बगीचे एक साइड पे छोड़ दो और दो बगीचे एक साइड पे छोड़ के जो बीच वाली हमारी नहर आई है उसके ठीक सामने हम मंदिर इसको धाम रोज को क्रॉस करके नहर में आए पुल को क्रॉस करो फिर धाम रोज को क्रॉस करके जो हमारा बीच वाला मंदिर होगा 75वां 76वां 150 मंदिर का अगर हम ये लेंगे तो 75वां और 76वें के चौक के बीच में हमारी 10 खिड़कियां आई हैं, मतलब 150-150 मंदिर की दूरी पर खिड़की की शोभा है, सीढ़ियों की शोभा आई है। हाँ जी, ये समझ लो जो दीदी जान एरो कर रहे हैं वो 75वां मंदिर है और दूसरा मंदिर 76वां मंदिर है। तो जो हमारे इसके पाखी की दीवार के मध्य में जो दरवाजा आया है उसके इधर से कुछ सखियां इधर से निकले, कुछ 75वें मंदिर से निकलेंगी तो बीच में हमें 33 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा चौक मिलेगा। हाथ हाथ 33 हाथ और आठ हाथ 33 हाथ और 8 हाथ का चौक मिलेगा। जैसे कि बाहर के मंदिरों की शोभा तो सबको पता ही है कि एक मेहराब ऊपर बड़ी और नीचे 3 छोटी मेहराबें और फिर एक में 3-3 मेहराबें, 3 मतलब 9 मेहराबें और एक बीच वाले में दीवार और आसपास हमारे दो दरवाजे और दीवार के बीच में सुंदर झरोके की शोभा जो 3 हाथ ऊंचा आया है और इसमें 6 जाली द्वार है। इस तरह से मंदिर के अंदर जैसे कि सामने दिख ही रही है शोभा कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 छोटी और 3 मध्य वाली के बीच में ठीक हमारा दरवाजा। इसी तरफ भी हमारा दरवाजा है जो कि 33 हाथ का दरवाजा है। उस 33 हाथ के दरवाजे से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें 33 हाथ लंबाई और 8 हाथ चौड़ाई में एक चौक मिलेगा। फिर हम 33 हाथ और आगे क्रॉस करेंगे तो आगे हमारी 100 सीढ़ियां और 4 चांदों की शोभा आएगी। इसके पीछे वाली साइड पे तो दीवार आएगी और आगे वाली साइड जब हम फूल नूरबाग की तरफ जाएंगे तो सीढ़ियों की शोभा आई है। जैसे कि दीदी ने बताया कि ये हम धाम रोज पे जब चलते हैं तो हमें ऊपर से नहीं पता चलता कि यहाँ पे सीढ़ियों की शोभा है क्योंकि ये रोज ढकी हुई है, तभी कहा गया है कि धाम रोज की उद्र से निकलकर यानी कि पेट से या अंडरग्राउंड या सुरंग से निकलकर इन सीढ़ियों की शोभा आई है और सामने हम देख तभी हमें पता चलेगा क्योंकि हमें वहां पे 8 हाथ की मोटी दीवार दिखेगी। जैसे ही हम ये सीढ़ियों और चार चांदों के से उतर कर जाएंगे तो हमें सामने एक 3.5 मंदिर की नहर का चबूतरा मिलेगा जिसकी रोंस पर हम एक पक्ति उतर के मतलब एक सीढ़ी नीचे उतर के हम उस पहली रोंस पर पहुंचेंगे और फिर सामने ही पुल की शोभा को क्रॉस करके हम बगीचे में आ जाएंगे। हाँ जी, पूरा वर्णन कर दिया आपने बहुत अच्छे से। चित्र आपका क्लियर हुआ गिनतियों वाला? और जो एक शोभा थी वो थी कि ये नूर बाग के जो आगे नहरे कोण में जो आया है वो 30 मंदिर हमारा नूर बाग की कोट दीवार मिलान करती है तो उसकी कोट दीवार पे हमारे 31 नूरी थंब आए हैं। हाँ, यहाँ पर अक्षी नूरी थंब आए हैं। तो ऐसे ही हमारे जो धाम दरवाजा धाम चौक की जो है चबूतरे की दीवार है उस पे भी हमारे अक्षी थंब आए हैं, 1500 अक्षी थंब और 520 दूसरे वृक्ष जो केले के वृक्ष आए हैं वो 3-3 मंदिर की दूरी पे हैं, जो कि एक सुंदर 3 मंदिर की मेहराब बनती है और बाकी बीच वाले अक्षी थंब एक एक मंदिर की दूरी पर एक एक मंदिर की मेहराब बना रहे हैं। हाँ जी, इसमें 520 मंदिर चारों तरफ घेर कर आए हैं। हाँ, 520 वृक्ष चारों तरफ घेर के आए हैं, बाहरी किनार पे आउटर किनार पे। ये प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी सुंदर साची, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर अपन वाइफ को लेके चाहे बच्चे की शोभा भी ले लेंगे। बहुत अच्छे से वर्णन किया है जी, अच्छे से समझ आ गया। वो 147 वाला मेथड में मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैं चाहे बच्चे के कोने वाले नहीं ले पा रही थी। मोनिका आंटी ने बहुत अच्छे से समझाया। बाकी मैंने वीडियो भी डाली है, 5 मिनट की वीडियो है जिसमें ये गिनती ही बताई। मैं देखूंगी जरूर, वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं। हाँ डाली। हाँ जी कुसुम दी, आप आ रहे हो? कुसुम दी को करना अनम्यूट। कुसुम दीदी, नूर बाग से लगता हुआ हमारा वायव कोण का चाय बच्चा आया है, जो कि पश्चिम से 15 मंदिर और उत्तर से भी 15 मंदिर लेके एक हाथ जो है हमारा धाम दो से मिलान करता है। इस चाय बच्चे की शोभा जो गिर्द है वही 480 मंदिर की और जल 158 मंदिर में और लंबाई और चौड़ाई 160 मंदिर की आई है। इसका एक जो है हाथ जो है रंग महल से के चबूतरे से मिलता हुआ आया है। अब हम इसकी शोभा को देखते हैं। इसका एक जो चांदा है वो उत्तर में, जो इधर का चांदा है वो उत्तर में, एक पश्चिम में और एक दक्षिण में आया और पूर्व का हंस हमारा रंग महल की जो परिक्रमा रोज है उससे मिलान करता हुआ आया हुआ है। इसमें एक मंदिर की जो है दीवार है, एक मंदिर की रोज है। इसके एक भाग में जो धाम रोज से यानी इसके उत्तर नहीं ये पूर्व में है 105 मंदिर की जो जगह है, क्योंकि 15 मंदिर तो उसने दबा लिए हैं और 105 मंदिर की जगह में हमारे 35 फूलों के वृक्ष आए हैं, जिसकी एक भूम में 44 हाथ का तना उठेगा और 44 हाथ की मेहराब, 12 में चित्रकारी। उसके बाद जो वह चित्रकारी के साथ ये दो मंदिर आगे चल के जल रोज तक छाया पड़ेगी। इस प्रकार हमारी एक भूम फिर दूसरी भूम ऊपर आएगी तो हमें दो गठेड़े की शोभा फूल बाग में नजर आएगी। इसमें जो है हमारा तीन हाथ पौने तीन हाथ की पहले नहर आती है, पौने तीन हाथ की नहर और उसके बाद हमारा 100 हाथ तक सीधी नहर चलेगी, फिर जो है हमारा ये चाय बच्चा गोलाई ले लेगा। उसके बाद एक चांदे की शोभा आएगी और चांदे के जो पूर्व की साइड पर या ये कह दो कि उत्तर की साइड पर एक पांच बड़ो वन का वृक्ष आएगा जो कि भूम दर भूम 5 भूम गया है। उसके दक्षिण चांदी के पश्चिम तरफ, ये रहा पश्चिम तरफ। हाँ। इसके बाद 120 मंदिर की दूरी पर दूसरा वृक्ष आएगा चांदी की पश्चिम तरफ। इतना दीदी ये पश्चिम का उत्तर तरफ हो गया, उत्तर तरफ। मतलब अपन यूं समझे इसको आसानी से कि अपन यूं चल रहे हैं तो जहां पे चांदी का एंड है वहां पे वृक्ष, अपन यूं चल रहे हैं ना। हाँ। तीसरा वृक्ष फिर आएगा चांदी के एंड में आएगा। ये जो वृक्ष है 120 मंदिर की दूरी पर आए हैं, इनकी दो एक भूम में दो भूम समाई हुई है, क्योंकि एक भूम तो है कोट दीवार के साथ साथ उठी है जो हमें अक्षी होगी नजर नहीं आएगी और एक भूम ऊपर उठेगी। यदि हम जमीन पे खड़े हैं तो हमें दो भूम ऊपर नजर आएगी और यदि हम दीवार पे खड़े हैं तो हमें छत्ती मंडल एक भूम ऊपर नजर आएगा। जो इसमें वही इसका भी हिसाब होगा, 44 मंदिर की तो तना उठेगा, 44 मंदिर की मेहराब उठेगी और 12 हाथ में चित्रकारी, फिर उस पर एक समतल छत पड़ जाएगी जिसका जो है दो मंदिर चल के जल चबूतरे तक छाया करेगी। इसकी जो मेहराब है वह 120 मंदिर की यानी एक विशाल मेहराब बनेगी, दो मेहराबे बनेगी जिसमें झूलों की शोभा आई है। और इसका मिलान जो है जो हमारा जो दूसरी 125 मंदिर की दूरी पर दूसरा पेड़ आएगा उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि पहली भूम में जो हमारा है वह जल इसके कोट दीवार के साथ लगा है, उसके बाहर इन्होंने डालियां उधर नहीं फैलाई है तो उसके बाहर एक सुंदर कठेड़े की शोभा आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो झूले है इनकी बहुत ही विशाल शोभा होगी जो जल की तरफ भी जाएंगे और बाहर की तरफ भी जाएंगे। उसके बाद हमारे तीन बड़ो वन के जो कि 10 भूम इसकी हमारे जो भूम दर भूम है इसके 4 छत्री मंडल नजर आएंगे। उसके बाद हमारे तीन वृक्ष जो है बड़ो वन के जो कि जिनकी एक भूम में 10 भूम समाई हुई है वो आएंगे। एक जो वृक्ष है वह तो हमारा लाल चबूतरा, जैसे कि एक हाथ खत्म होगा उसके कॉर्नर पे
उसके बाद 30 मंदिर के बाद दूसरा, उस 30 मंदिर के बाद तीसरा, उसके बाद सिर्फ हमारे 15 मंदिर बढ़ जाते हैं तो हमारा चौथा वृक्ष नहीं आ सकता, तो वह फिर सीधा चला जाएगा। जिनमें जो है ऊपर 10 भौम जो हमारा 10वीं आकाशी के साथ मिलान करता है, वो भी 2 मंदिर चल के हमारे जल चबूतरे तक छाया करते हैं। इसमें जो हमारे झूले हैं 10 भौम से नीचे आएंगे, जो कि हम झूलते हैं तो 103 हाथ ऊपर आके जो है झूला झूलते हैं। इनकी भी शोभा, इसकी भी जो मेहराब है वह भी 30-30 मंदिर के, यानी इसमें 2 झूलों की शोभा आएगी। इस पर हाँ जी, कुछ गलत बोल रही? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, अच्छे से बोल रहे हो आप। हाँ जी, तो शोभा आएगी। और इसमें जो हमारी भौम दर भौम जो 5 हाथ के छज्जे हैं, उनकी शोभा भी आएगी। 5 छाते कौन से? जो दीदी इसमें हर भौम में नहीं आते 5 हाथ के जो निकले? हाँ हाँ हाँ, उधर नजर नहीं गई थी मेरी। हाँ, यहाँ छज्जे निकलते हैं ना, वो नक्शा मैं कल दिखाऊंगी, इसमें नक्शे में नहीं है वो छज्जे। हाँ जी, वो उसकी शोभा भी आएगी। सुंदरसा जी, इन वृक्षों में छज्जे आते हैं, उसका वर्णन अपन कल करेंगे। तो यहाँ पर वृक्षों में छज्जे आते हैं। हाँ जी, तो इस प्रकार से हमारी वायव कोण के 4 बच्चे की शोभा आती है। बहुत सुंदर वर्णन दीदी, बहुत प्यारा। कुछ छूट गया तो दीदी अब आप? नहीं नहीं, अच्छे से वर्णन हो गया सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये चांदे के बीच में जो वृक्ष आया है, ये वाला 2 बॉम का आया है? हाँ जो जी। एक बॉम तो चांदे जी में चला गया और एक बॉम ऊपर। हाँ जी, ये वाला आया 2 बॉम। और हाँ, और ये जो है ये 10 बॉम में, मतलब 10 बॉम के गए बड़ो वन के वृक्ष। हाँ जी, ये 10 बॉम। और इनके ऊपर ये चांदा जी दिखाई दे रहे हैं इन वृक्षों के ऊपर। कहाँ पे? ये जो 10 भौम में गए हैं वृक्ष, इनके ऊपर चांदा जी आपका ये एरो आ रहा है। 6 बच्चा है ये? हाँ, 6 बच्चा जी। हाँ जी, ये 6 बच्चा है। अच्छा, तो ये जो 3 वृक्ष आए हैं, ये 2 छजी के बीच है, एक उधर है उत्तर की तरफ ना, ये पश्चिम की तरफ रहेगा ना जो 3 वृक्ष है? ये वृक्ष है अपने दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। वो जो पीछे वाला है वो दक्षिण दिशा आएगी? ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर। ठीक है। और ये दोनों ने छत्रमंडल मिलाया, और इस छत्रमंडल जो है इन साथ नहीं मिलेगा? ये है तो इन तो 2 की ऊंचाई तो समान है ना, तो की 3 वृक्ष की 2 जो चांदा जी है, इन तीनों का छत्रीमंडल, तीनों का छत्रीमंडल बढ़ेगा। इधर से फूलबाग से भी मिलान होगा 2 भौम तक, और ये तो 10 भौम तक जा रहा है सीधा। हाँ जी, ये तो 10 भौम जाए ना, ये जो तीनों चांदा में इनका तो दोनों का बल समान है ना। समझ नहीं पाई क्या कह रहे हो? जो ये तीनों वृक्ष चांदा जी में आए हैं, इनका तो लेवल तीनों का समान है ना? समान है लेवल इनका तीनों का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और इनकी दूरी कितनी है दोनों पेड़ों की? 120 मंदिर। और ये इनकी 30 मंदिर? 120 मंदिर। और इधर 30 मंदिर, इधर 30 मंदिर, 30 मंदिर, 30। हाँ, ये 120 और ये 30। और आगे ये बात बन गई। हाँ जी। और ये कि एक कितने भौम का ये छोटे? इनकी 5 भूमि आई है, लेकिन पहली भूमि 2 भूम बराबर है, तो 4 भूमि। पहली भूम 2 भूम बराबर, 1 भूम ऊपर, ऊपर 4, 3 भूमि। अच्छा, और ये 10 भूम का? ये 10 भूम का 1 भूम। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, आ रही है। मेरा जो प्रश्न है वो नैऋत्य कोने के बारे में है। हाँ जी, नैऋत्य कोने के 6 बच्चे। हाँ, फूलबाग का या रंग महल का? नृत्य को ना फूलबाग नहीं, यहाँ रंग महल का ही, जो फूलबाग के साथ भी लगता है। उसको निकालेंगे एक बार। हाँ जी, हाँ जी।
ये तो वही आ रहा है वायव्य वाला, ये वायु का लग रहा है, एक मिनट निकाल रही हूँ। अबे वो क्वेश्चन तो बोलो मैं निकाल दूँ। हाँ जी। क्वेश्चन दीदी ये है कि फूलबाग की तरफ जब वो गोलाई ले रहा है छह बच्चा, तो हमारे 100 मंदिर आगे चलती है नहर, जो हमारी 3.25 मंदिर की नहर आई है वो 100 मंदिर आगे चलती है, उसके बाद वो सीधी हो जाती है। हाँ। लेकिन बट पीपल की चौकी की तरफ आपने बताया था कि वो 80 मंदिर आगे चलेगी, 80 मंदिर कहीं बढ़ना है, स्ट्रेट हो जाएगी। हाँ हाँ, तो मुझे एक्चुअली ये पूछना था आपसे कि ये जो वृक्ष की छज्जा आ रहा है दूर से 50 मंदिर की दूरी से आ रहा है, वो आके इस नहर के चबूतरे की अंदर वाली रॉन्स के ऊपर 22 सीढ़ियां बनाता है, तो जब ये 80 मंदिर के बाद ये घूम जाएगी तो बाकी की जो 25, क्योंकि 105 मंदिर की जगह है ना यहाँ पे। नहीं, अपने उसके बाद तो नहर चली गई ना, 80 मंदिर के बाद सीधी चली गई। हाँ, लेकिन इसने जो 22 सीढ़ियां बनाई है वो तो पिठौर पे बनाई है ना इसके। हाँ, पिठौर पे बनी है ना। नहीं, समझ नहीं आई ये बात। ये जो वृक्ष है यहाँ पे पिठौर पे आके इस हद तक, इस 105 मंदिर तक आके 122 सीढ़ियां बना रहा है, और इधर से इन सीढ़ियों से मिलान कर रहा है इधर इनकी 22 सीढ़ियों से, और बाकी वृक्षों ने तो 22 सीढ़ियां निकालनी नहीं ना, उतनी हद पे ही तो निकलेंगी जितनी हद पर छतरी डालनी है, बाकी जगह तो अपनी जगह वहां कठेड़ा लग जाएगा, बाकी जगह थोड़ी सीढ़ी निकलेगी। मेरा क्वेश्चन ये था दीदी कि ये जो जब नहर घूम गई तो फिर ये 22 सीढ़ियां इसने किसके ऊपर बनाई 80 के बाद? नहर ऐसे पूरी नहीं घूमती, अपने को यहाँ नजर आ रहा है घूमती, हल्का सा सीधा ही चलती है ये नहर, क्योंकि 1500 मंदिर में पूरी आई है बट पीपल की चौकी। जैसे कल भी कहा था ये बगीचे नहीं कटे हैं, यहाँ पूरी जगह में आई है, हल्का सा बस इस चबच्चे की कोट दीवार के साथ साथ चल रही है, मैंने इसे गोलाई नहीं ली है। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है बिल्कुल। हाँ अनीता दी, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कट रही है। आ रही आवाज? नहीं आ रही अभी। हाँ जी वीना दी। दीदी मैंने जो वाइव कोने का चाय बच्चा है रंग महल का, हाँ हाँ, उसमें जो फूल बाकी कितने वृक्ष आएंगे, वो मेरा नेट चला गया था। 35 वृक्ष आएंगे फूल बाकी, तो वो दो छतरी मंडल में आएंगे फिर? हाँ उनकी दो छतरी आएंगी, बाकी जो अगले दो आए बड़े बन के तीन, वो भी उनके भी दो, नहीं दो उनकी चार, इनकी चार छतरी, वो बड़े बन के आए ना, अब तीन जो इनकी पांच छतरी आए, इनकी चार छतरी आएंगी, ये जो बड़े बन के आए हैं इनकी चार छतरी, और इधर इसकी एक ही छतरी, ये 10 भोम के है ना बराबर? हाँ ये 10 भोम के है। ठीक है, प्रणाम। हाँ, राम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, कोई है ही अपन बंद करें। हाँ जी आशिमा। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो अनीता दीदी अभी जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना, उसमें वो आज सुबह मुझसे भी डिस्कस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो ये नहर नीचे आ रही है ना 80 मंदिर की, तो उसके ऊपर छतरियां बने, जो छतरी बनेगी पहला छतरी मंडल, वो तो बट का वृक्ष बना रहे हैं। हाँ। तो वो अपनी जैसे हम कहते हैं ना 50 मंदिर फिर उसके बाद दो मंदिर, तो वो हिसाब ऊपर कैसे चलेगा 80 मंदिर के बाद? जैसे हम कहते हैं ना 50 मंदिर की नहर है, फिर दो मंदिर का सीधा जाता है छतरी मंडल 22 सीढ़ियां बना के, तो वो हिसाब फिर कैसे चलेगा? नहर तो जैसे थोड़ी सी आप कह रहे हो ना सीधी हो जाती है, ये नहर तो देखो हल्का सा चलती है फिर उसके बाद सीधी जा रही है,
तो ये जो वृक्ष जा रहा है, बाकी तो देखो ये पूरा छत्री मंडल अपना 100 हाथ की ऊंचाई पे पूरा छत्री मंडल अपना पड़ चुका है ना, 100 हाथ की ऊंचाई पे तो छत्री मंडल आना ही है इस नहर तक, ठीक है। अब जितनी जगह में अपने को अंदर जाना है उतनी जगह में 22 सीढ़ियां लेके ऊंचाई ली और अंदर चला गया, और इधर की तरफ इन 22 सीढ़ियों से इधर मिलान हो जाएगा इन बड़ों वन से, मतलब यहाँ पे एक तरह से वो बढ़ जाएगी ना फिर इसकी जो लेंथ है वो, और छतरी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि नहर तो अब सीधी हो गई। हम तो नहर से हिसाब लेते थे ना कि 50 मंदिर फिर 2 मंदिर, जैसे बगीचा 100 मंदिर का है तो 50 मंदिर नहीं, नहर, यहाँ तो सिर्फ 2 मंदिर की जगह बताई है कि 2 मंदिर छतरी मंडल आएगा, तो बिल्कुल जब हम यहाँ खड़े हैं तो अपने को 22 सीढ़ियां नजर आ रही है, उस छतरी मंडल ने 2 मंदिर आगे जाकर ही इसको छाया दी है। तो जब 22 सीढ़ियां अपनी रंगमहल की तरफ भी बढ़ती है ना, तो इस नहर की इस जगह ही बढ़ती है, तभी तो 1 मंदिर नीचे और 1 मंदिर ऊपर, 2 मंदिर जाके रंगमहल से मिलता है ना। अब जितनी हद तक मिलान होना है उतनी हद तक 22 सीढ़ियां निकलेंगी, बाकी तो लेवल पे है ही अपनी शोभा, बाकी शोभा तो लेवल पे है ही ना। हाँ जी, और जो फिर हम ये बोलते हैं कि एक बट के वृक्ष ने छाया डाली, तो वो आप कह रहे हो ना बगीचे, मतलब वो बगीचा कम नहीं होता, ये समझ नहीं आया। बगीचा क्यों 15 जो आता है ना, भीतरी दीवार 100 हाथ की, बाहरी दीवार 102 हाथ की, वो युक्ति क्यों की है कि अंदर की हाथ से 1500 मंदिर की जगह में चारों शोभा बराबर आ रही हैं और ये चबच्चे अपने अलग स्थान पे आ रहे हैं, शोभा कट नहीं रही है, कोई भी बगीचा कट नहीं रहा है ना। जैसे ये देखो यहाँ पर ये देखो ये चबच्चा बिल्कुल बाहर आया, ये भी बाहर आया, ये देखो कोई शोभा कट नहीं रही है, ये 1500 मंदिर भीतरी दीवार से है और ये जगह अपनी अलग जगह पे है, ये और बाहरी दीवार से लेते हैं, बाहरी दीवार से लेते हैं तो यहाँ पर ये अपन बगीचा तब 1470 मंदिर का मानेंगे बाहरी दीवार के हिसाब से, 15-15 मंदिर इन चबच्चों पे आ रहे हैं, तब इसको अपन बाहरी दीवार से 1500 नहीं मानेंगे। ये शोभा इसलिए की गई कि ये शोभा अपनी संपूर्ण स्थान पे आए, कोई शोभा कटे नहीं, है ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी ज्योति, प्रणाम जी दीदी। दीदी जो कौन का वो बाइब कौन ईशान कौन का जो अभी बता रही थी ना, ईशान ईश्वर बाइब कौन वाला, तो दीदी एक तो जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आए हुए तो 10 भूम आए हैं लाल चबूतरे के पास वाला। हाँ, वो 10 भूम के आए हैं, उनकी एक ही भूम छतरी पड़ती है। और जो नीचे वाला है वो तो 5 भूम आए हैं, तो दोनों का बराबर मिल छतरी, उनका मिलान नहीं होगा, उनका मिलान नहीं होगा, कैसे होगा, वो 10वीं चांदनी पे है, ये 4 चांदनी है इसकी भूम दर भूम, उनका मिलान नहीं होगा, उधर की तरफ कठेड़ा लग जाएगा। हाँ जी, सुंदर साहब जी जयकारा बुलाते हैं। एक मिनट। हाँ जी किरण जी। हाँ जी, ये जो आपने बट की तरफ से जो नैरत को नैरत चाहे बच्चे में यहाँ पर वृक्ष कितने आएंगे, बट का एक ही वृक्ष आता है, एक ही आएगा क्योंकि 120 जगह तो 100 की तो वही है ना। हाँ, एक ही वृक्ष। अच्छा, और ये बताइए जो अपन रंग पर वो क्या कहते हैं नृत्य की हवेली में बाहर की जगह 86 मंदिर कैसे आते हैं, ये आप दीदी वीडियो देखना, अभी वो शोभा बहुत लंबी है नहीं बता सकते, आप वीडियो देखो, आपको मैंने पूरा लिंक भेज दिया है। कौन सा वाला वीडियो देखो, मैंने आपको लिंक भेज दिया, उसमें देखो ना बट पीपल की चौकी का, नहीं बट पीपल की चौकी वाला नहीं, जो नृत्य की हवेली है ना। हाँ, तो उसी में ही वर्णन आया 86 मंदिर का, उसी में वर्णन आया। अच्छा, नृत्य की हवेली वाले। हाँ, में हाँ। अच्छा। नहीं नृत्य की हवेली में नहीं, बट पीपल की चौकी में ये वर्णन है दीदी। ये पीडीएफ ग्रुप में भेजो ना, देख सकते। कौन सी पीडीएफ, वो आप अभी दिखाते है ना। अच्छा, जो अर्दस माजी की भेजी ना, आजकल में भेजी है, 25 वक्त में भेजा है, नहीं अर्शिया जी में 25 वक्त में मेरा नाम है, ठीक है मैं भेज दूंगी। हाँ, तो लेकिन मैं शेयर करती हूँ अर्शिया जी में, मेरा दूसरी जगह शेयर कम होता है, मैं अर्शिया जी में शेयर 25 वक्त में नहीं करेगा। अरे रुक जा, अभी बंद कर, नहीं बंद कर दो,
तौलिया भी लेना, ये सुंदर साहब जी म्यूट हो जाओ भाई, बहुत। हाँ जी सुंदर साहब जी जयकारा बुलाते हैं, वो मैं भेज दूंगी 25 वृक्ष में आप, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना।